हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स। और आपको पता है, हम एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे मैक्स वेबर के बारे में डिटेल में। इन्होंने क्या ब्यूरोक्रेसी के बारे में क्या बोला, क्या इनके व्यूज़ थे, कैसे इनको डिफाइन, कैसे इन्होंने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताई एक ब्यूरोक्रेसी के अंदर क्या क्या होना चाहिए। ऑल दो इन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी की टर्म है वो इन्होंने डिफाइन नहीं की, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो इन्होंने पूरी डिफाइन की थी, और इसको ही हम इस पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें इन्होंने बोली है। देखिए, सबसे पहले इन्होंने अथॉरिटी, ऑर्गेनाइजेशन और लेजिटिमेसी के बारे में थोड़ा अपने बारे में बताया कि कैसे कैसे ये चीज़ होती है और इनके क्या व्यूज़ हैं इसके बारे में, अथॉरिटी क्या होनी चाहिए और कैसे उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। देखिए, अगर बात करें, सबसे पहली बात मैं बताई दिया कि वेबर का नाम जो है एक तरह से सिनोनिम विद ब्यूरोक्रेसी, तो ब्यूरोक्रेसी के साथ इनका नाम जोड़ा जाता है और सिनोनिम यानी कि ब्यूरोक्रेसी इज इक्वल टू मैक्स वेबर ही माना जाता है, क्योंकि ये इन्होंने टर्म तो ब्यूरोक्रेसी डिफाइन नहीं, यानी कि ब्यूरोक्रेसी जो है इन्होंने टर्म तो नहीं दी, लेकिन इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को बहुत अच्छे से कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने दी। उसके बाद कुछ क्रिटिसिजम्स भी हैं, वो भी हम देखेंगे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन ही इन्होंने किया। इससे पहले ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन नहीं किया गया था, ब्यूरोक्रेसी एक सिस्टम चलता था लेकिन उसको डिफाइन नहीं किया गया था क्या क्या प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिए, बोलते हैं कि अपनी जो थ्योरी बनाई है मैक्स वेबर ने, ये कुछ चीज़ों को ध्यान रखते हुए, जैसे रिलीजन क्या है, सोसाइटी क्या है, वो सब चीज़ें ध्यान देते हुए इन्होंने ये अपनी थ्योरी प्रपाउंड की थी। इसके बाद अगर बात करें तो वेबर ने देखिए अथॉरिटी, पावर और कंट्रोल इनके बारे में भी डिफाइन किया। इन्होंने बोला है, पर्सन कुड बी सेट टू बी पोजेस पावर इफ इन सोशल रिलेशनशिप ही विल कुड बी एनफोर्स डिस्पाइट रेजिस्टेंस। ये कहते हैं कि एक इंसान के पास पावर तब मानी जाती है जब एक सोशल रिलेशनशिप में, जब वो जो बात बोले उस चीज़ का पालन हो, कोई रेजिस्टेंस ना हो, यानी कि कोई विरोध ना हो, तो उसको बोलते हैं पावर। ऐसा इन्होंने बोला, राइट? इसके बाद देखिए वेबर ने क्या बोला, अथॉरिटी वॉज आइडेंटिकल विद द अथॉरिटेरियन पावर ऑफ कमांड, राइट? यानी कि अथॉरिटी क्या होती है, इन्होंने ये बोला कि अथॉरिटेरियन पावर ऑफ कमांड, यानी कि ऐसी कमांड जो बोल दी गई और मान ली जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं अथॉरिटी। वही पावर की तरह ही है एक तरह से, अथॉरिटी को भी इन्होंने यही बोला कि अथॉरिटेरियन पावर ऑफ कमांड। इसके बाद देखिए पांच एसेंशियल कंपोनेंट बताए इन्होंने कि अथॉरिटी के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला, कौन रूल कर रहा है, राइट? जैसे एक राजा है, राजा की क्या अथॉरिटेरियन है, मतलब जो उसने बोल दिया वो माना जाएगा, अथॉरिटेरियन पावर ऑफ कमांड, उसकी जो कमांड है वो मानी जाएगी। तो कौन रूल कर रहा है, ये अथॉरिटी में डिफाइन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद किसके ऊपर रूल कर रहा है, ये भी एक कंपोनेंट है अथॉरिटी का। ये बता रहे कि इन्फ्लुएंस द कंडक्ट ऑफ रूल, यानी कि अगर कोई रूलिंग या कोई भी रूल हो रहा है उसके ऊपर क्या क्या इन्फ्लुएंस डाल सकता है वो, ठीक है। इसके बाद बोलते हैं एविडेंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द रूलर इन टर्म रूलर्स इन टर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव डिग्री ऑफ कमांड, कोई भी उन्होंने ऐसा ऑब्जेक्टिव डिग्री ऑफ कमांड दिया वो भी माना जाए, उसके क्या इन्फ्लुएंस होती है। इसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस देखा जाए कि सब्जेक्टिव एक्सेप्टेंस कितनी हो रही है जो उसने रूल यानी कि कुछ भी बोला है उसके लिए। तो ये सब पांच कंपोनेंट बताए, इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे हम जो पढ़ेंगे वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, बस ये पता नहीं चाहिए अथॉरिटी के बारे में क्या बोला है और अथॉरिटी का मतलब क्या होता है। इसके बाद देखिए उन्होंने और बात बोली कि एन अथॉरिटी एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज इट इज एक्सेप्टेड एज लेजिटिमेट बाय द रूल, राइट? यानी कि जब तक ये मानी जाएगी लेजिटिमेट है, मान लीजिए कोई राजा राज करता है, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, राजा ने राज किया, सारी बातें उसकी मानी जाती है, तब तक वो माना जाएगा कि हाँ इसकी अथॉरिटी है। जिस दिन उसकी बात लोग मानना मना कर देंगे तो उसी समझ ये समझ लीजिए कि इसके जो यानी कि पावर है वो खत्म हो गई, इसकी अथॉरिटी खत्म हो गई। ऐसे ही बता रहे हैं कि अथॉरिटी एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज, अथॉरिटी जब तक ही एग्जिस्ट करती है, जब तक उसके जिनके ऊपर रूल किया जा रहा है वो उसको एक्सेप्ट करे लीगली कि हाँ हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद देखिए वेबर ने क्या कंक्लूड किया, इन्होंने बोला ऑल एडमिनिस्ट्रेशन मींस डोमिनेशन, सभी एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही डोमिनेशन है, यानी कि जो ऊपर वाला बोलेगा नीचे वाला वो करेगा, ये एक तरह से डोमिनेशन की ही मैरी पार्कर फोलेट ने अंदर करा के अंदर हमने प्रॉपर पढ़ाया कि डोमिनेशन क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज क्या होता है और तीसरा इंटीग्रेशन क्या होता है। तो ये बता रहे कि सभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डोमिनेशन ही होता है उसके अंदर, क्यों? क्योंकि सुपीरियर बोलता है, सबॉर्डिनेट काम करता है, या राजा बोलता है तो नीचे सब जिसके ऊपर रूल कर रहा है वो मानते हैं। तो ये बोल रहे कि सभी एडमिनिस्ट्रेशन में का मतलब ही डोमिनेशन है, वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, वहां पे कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, राइट? इसके अलावा देखिए अगर बात करें तो इन्होंने तीन डिफाइन किया कि तीन तरह की अथॉरिटी होती है, किसी भी सिस्टम के अंदर तीन तरह की अथॉरिटी होती है। पहली अथॉरिटी ट्रेडिशनल अथॉरिटी, दूसरी क्रिस्मेटिक अथॉरिटी, थर्ड लीगल अथॉरिटी। अब तीनों को प्रॉपर डिफाइन करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका पूरा मैक्स वेबर का।
अब वन बाय वन हम देखेंगे ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्या है। इस बार भी देखिए क्वेश्चन जो आया था यूपीएससी मेंस के अंदर वो लीगल अथॉरिटी के बारे में ही इन्होंने पूछा था कि कैसे लीगल अथॉरिटी जो है एफिशिएंसी के साथ बनी हुई है, यानी कि जहां लीगल अथॉरिटी होगी वहां एफिशिएंसी होगी। लेकिन इसकी देखिए जो है इसके क्रिटिसिज्म भी हुआ है बहुत, तो दोनों पार्ट आपको लिखने होते हैं इस तरह के क्वेश्चन के अंदर। इस बार का क्वेश्चन है वो आप देखिए मेन्स के अंदर आया जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लीगल अथॉरिटी के बारे में ही आया है, वैक्स वेबर की जो लीगल अथॉरिटी है, लीगल रैशनल अथॉरिटी। इसके बाद देखिए पहली पहले हम डिफाइन करेंगे ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्या है। बहुत सिंपल सी बात है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी का मतलब क्या है कि किसी का रूल चल रहा है, बहुत जन्मों से ये चीज चलती आ रही है। जैसे हमारे यहाँ पैट्रियार्कल सोसाइटी है, आपको पता है कि जो मैन होता है वही डोमिनेट करता है। देखिए चेंजेस आ रहे हैं लेकिन बहुत से केसेस में हम देखते हैं कि घर का जो बड़ा बुजुर्ग होता है इंसान, यानी कि जो मेल होता है वही डोमिनेट करता है। तो ये बोलते हैं कि ऐसा जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है जिसके अंदर कोई पुराने उससे चलती आ रही है, कहीं ऐसा ऐसी जगह है जहां पे राजा राज करता है और उसके ही यानी कि बच्चे चलेंगे, उसके बाद उसके बच्चे राज करेंगे, फिर उसके बच्चे राज करेंगे, एक नॉम चलता आ रहा है कि ऐसे ही चलेगा, कोई उसकी अथॉरिटी को यानी कि बीच में ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता कि ये अथॉरिटी आपकी ठीक नहीं है, ये नहीं है, ये हम नहीं मानते। तो जो लेजिटिमेसी है, जो लीगैलिटी है, यानी कि इसको लीगल माना जाता है कि जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है ये ऐसी जगह पे जहाँ ट्रेडिशनल अथॉरिटी हो और उसको लीगल माना जाए तो वो होती है ट्रेडिशनल अथॉरिटी। और ये इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, या तो इसको पास्ट से ही मानते आ रहे हो या इनहेरिटेड स्टेटस हो। जैसे अभी देखिए थोड़ा एग्जांपल देता हूँ, वैसे है नहीं है इतना, राहुल गांधी है, ठीक है। राहुल गांधी का क्या है, ट्रेडिशनली ये चीज़ चलती आ रही है कि गांधी परिवार से ही जो होगा वही राज करेगा कांग्रेस के अंदर। तो इसके ऊपर ये भी उठाया जाता है कि ऐसा क्यों है जबकि और भी अच्छे लीडर्स आते हैं, जैसे राहुल गांधी हुआ, उससे पहले मनमोहन को दिया गया लेकिन सारी कमांड सोनिया गांधी के पास थी, राइट, उससे पहले राजीव गांधी थे। तो इस तरह ये बता रहे कि कमांड जो है वो जो एक ही यानी कि एक लेजिटिमेसी जो है वो एक ही हिसाब से चलती रही, या तो पास्ट के हिसाब से चल रही है या किसी के पास ऐसा इनहेरिटेड स्टेटस है कि हाँ ये हमें ही गद्दी मिलेगी, हम ही राज करेंगे, या कुछ कस्टम है ऐसा मान के चलते हैं कि नहीं इसी रिलीजन का या इसी कोई भी ट्राइब का राज करेगा। तो इस तरह की चीज़ें जो होती है जिस जिस राज में, तो उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल अथॉरिटी। और इसकी लेजिटिमेसी भी होती है, तभी ये रूल कोई भी होगा, जब तक उसको लोग मानेंगे नहीं तो रूल नहीं होगा। तो इसको लोग मानते हैं तो इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल अथॉरिटी। देखिए आज की बात नहीं है, वर्ल्ड वार से पहले की बातें हैं, तो उस समय ऐसा चीज़ें होती थी। तो अब तो देखिए बहुत कुछ चेंज हो गया, बहुत जगह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई है, वहाँ पर लोग चुनते हैं कि कौन राज करेगा या नहीं करेगा। तो उस लेकिन ये पहले बोलता है ट्रेडिशनल अथॉरिटी में ऐसा होता था, सपोज कीजिए गांव में है सरपंच मुखिया है, अब मुखिया पता है कि इस परिवार से ही बनना है, तो वो हो गया ट्रेडिशनल अथॉरिटी, राइट। अब देखिए ये बोलते हैं कि पर्सन वो कैरी आउट द ऑर्डर आर पर्सनल रिटेनर। अब जो इसमें ऑर्डर कैरी आउट करते हैं, सपोज कीजिए गांव में एक मुखिया है, उसी के घर से हर बार नया मुखिया बनता है, अब इसके जो ऑर्डर होंगे वो कौन कैरी आउट करेंगे, इसके जो पर्सनल रिटेनर होंगे या हाउस होल्ड ऑफिशियल होंगे, रिलेटिव होंगे, फेवरेट्स होंगे, ठीक है, ये या कुछ मास्टर्स इसने डिफाइन किए होंगे, वही इसका जो है ऑर्डर इन्होंने दिया कि गाँव में ये होना चाहिए तो वैसे ही होगा। ये पुरानी बात सोच के चलिए, आप आज की बात नहीं है। फ्यूडल सोसाइटी में जैसे होता था, फ्यूडल सोसाइटी में क्या होता था, एक जैसे एक ऐसे ही फ्यूडल सोसाइटी में एक पूरी सोसाइटी होती थी, यानी कि गांव की तरह, उसमें एक इंसान राज करता था तो वो डिफाइन होता कि यही राज करेगा, तो उस हिसाब से चलती थी फ्यूडल सोसाइटी। तो उसमें बोलते हैं कि इसके अंदर जो ऑर्डर कैरी आउट करते हैं वो होते हैं लॉयल अलाइज जो होते हैं मास्टर के। इसके अलावा बोलते हैं अंडर दिस अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू वेबर द एडमिनिस्ट्रेशन बिकम इरेशनल। लेकिन ये बात बोली कि इस अथॉरिटी के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा जो प्रशासन चलेगा, वो इरेशनल होता है, यानी कि रैशनल तरीके से नहीं होता। एज द डेवलपमेंट रैशनल रेगुलेशन इज इम्पेडेड एज देयर वुड बी नो स्टाफ। सबसे पहली बात है कोई भी स्टाफ नहीं होता, कोई टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं होती। अभी आप कल को यूपीएससी सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपकी ट्रेनिंग होगी प्रॉपर, राइट, आपको प्रॉपर बताया जाएगा, उसके बाद आपको प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाएगा या जहां पे भी आपकी पोस्टिंग होगी। तो एक आपका पूरा स्टाफ होगा कि आप लीडर होंगे तो आप काम करवाएंगे उनसे प्रॉपर, यानी कि डिफाइंड स्टाफ होगा, प्रॉपर ट्रेनिंग होगी। तो ये बोलते कि लेकिन ट्रेडिशनल अथॉरिटी में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो ये बोलते इसलिए इरेशनल है। और ये क्योंकि कोई स्टाफ नहीं होता जो जो भी कोई इशू है उसको सोल्व कर सके या कोई ट्रेनिंग हो, ऐसी कुछ ट्रेनिंग होती नहीं है। इसके बाद दूसरा होता है क्रिस्मेटिक अथॉरिटी। क्रिस्मेटिक अथॉरिटी नाम से डिफाइन हो रहा है कि कोई क्रिस्मेटिक यानी कि ऐसा इंसान है जिसकी पर्सनालिटी से लोग बहुत इन्फ्लुएंस हो और वो एक लीडर बन जाए, जैसे कोई प्रोफेट है, यानी कोई भगवान टाइप है या कोई हीरो है या कोई ऐसी स्पीच देते हैं जिसकी स्पीच देके लोग मंदमुग्ध हो जाए, एकदम उनको लगे कि हाँ यही हमारा लीडर है। जिस तरीके अच्छे अच्छे स्पीच देने वाले हैं आज के टाइम में भी, और उनकी स्पीच से ही लोग इतना इंप्रेस हो जाते हैं। तो ये बताते हैं या किसी के पास मैजिकल पावर हो, कोई हीरोइज्म हो या एक्स्ट्राऑर्डिनरी गिफ्ट हो,
या कोई ऐसी क्वालिटी जिसको देख के लोगों को लगे कि हाँ ये रूल करना चाहिए हमारे ऊपर, हम ये जो बात बोलेगा हम तो उसे मानेंगे, तो वो होती है क्रिस्मेटिक अथॉरिटी। पहली थी फैमिली का ही रूल है, या कोई एक पास्ट या से चलता आ रहा है जिसका रूल, या कोई ट्रेडिशन से चलता आ रहा है, या कोई कस्टम से चलता आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई भी लीडर बन सकता है जिसके अंदर कुछ डिफरेंट क्वालिटीज है और लोग उसको लेजिटिमाइज कर दे कि हाँ हम ये चीज़ मानने को तैयार हैं, इसने ये बोला है बिल्कुल सही बोला है, हम इस चीज़ को बिल्कुल मानते हैं और हम इसके अंडर ही कहा यानी कि ये हमारे ऊपर रूल करेगा। तो इस चीज़ को बोलते हैं करिश्मेटिक अथॉरिटी। ये बोलते हैं करिश्मा इज एक्सेप्टेंस ऑफ द बेसिस ऑफ लेजिटिमेसी। वेबर ने डिफाइन किया करिश्मा इज द क्वालिटी ऑफ इंडिया कि किसी की क्वालिटी है बाय वर्च्यू ऑफ विच ही सेट अपार्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी मैन, और लोगों से अलग होता है। इसके अंदर कुछ ऐसी सुपर नेचुरल या सुपर ह्यूमन या कुछ ऐसी एक्सेप्शनल पावर या क्वालिटीज होती है जिससे ये रूल करता है। ये बोलते हैं क्रिस्मेटिक लीडर सेलेक्ट हिज डिसाइपल, ये अपने कुछ भक्तों को सेलेक्ट करता है, फॉलोअर्स को। अभी देखिए बड़े बड़े आपको पता है कि संत वंत हमारे यहाँ पे आए, ठीक है, आसाराम टाइप जैसे, जो उनके अंदर था नहीं कुछ भी ना, वो कुछ ऐसा था, लेकिन लोगों को सिर्फ इतना अपनी बोलने की या उससे या जैसे भी उन्होंने अपना जो है ऐसा वो अस्तित्व बना लिया, इतने लोग उन्हें फॉलो करने लगे अननेसेसरली, जिनको पता नहीं इनका पास्ट क्या है, ये कैसे हैं, बिहेवियर क्या है, बस उनकी जो वो बोलते थे उनको ही सुन के फॉलो करने लगे, उनके भक्त बन गए। सच्चाई कुछ और भी हो सकती है, लेकिन ये बोल रहे कि इस तरह के लीडर्स भी निकलते हैं। और ये बताते एज हिज ऑफिशियल बेस्ड प्योरली ऑन हिज पर्सनल डिवोशन, ठीक है, टू हिम रादर देन ऑन स्पेसिफिक क्वालिटीज और स्टेटस। यानी कि कुछ भी इसमें भी जो ये सेलेक्ट करता है, कोई स्टाफ नहीं होता, ये इनके भक्त होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, जो बस इनको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए ठीक होगा, इससे मैं कोई भी ऑर्डर कैरी आउट कराऊंगा, ये ऑर्डर हो जाएगा, तो इस तरह के इसके भक्त होते हैं, ठीक है। इनके पास कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं होती, कोई स्टेटस नहीं होता, बस इनको लगता है कि ये मेरे भक्त है, ये मेरे लिए ही काम करेंगे, तो उनको ये सेलेक्ट कर लेते हैं। ये बोलते हैं देयर स्पीयर ऑफ एक्टिविटीज एंड पावर ऑफ कमांड डिपेंड अपॉन लाइक्स एंड डिसलाइक ऑफ लीडर, राइट। अब इनको रखना है या नहीं रखना है ये डिपेंड करता है लीडर के ऊपर कि ये इंसान को रखना है या नहीं रखना है। तो समझ के बात को, आप मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ तो आपको क्लैरिटी आ जाए कि किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आपको ये एग्जांपल देने नहीं एग्जाम में, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बताया। थर्ड है लीगल अथॉरिटी। वेबर का पूरा जो सब कुछ डिपेंड करता है इसी पे करता है, लीगल रैशनल जो अथॉरिटी है। सबसे पहली बात, जो इन्होंने जैसे ट्रेडिशनल को बोला इरेशनल है, करिश्मा करिश्मेटिक अथॉरिटी को बोला इरेशनल है, लेकिन इन्होंने लीगल अथॉरिटी को क्या बोला कि ये रैशनल अथॉरिटी है। इसको इसलिए इसको नाम भी बोल देते हम लीगल रैशनल अथॉरिटी, ठीक है। पहली बात ये बताते हैं मैनिफेस्ट ऑफ लीगल अथॉरिटी एज फाउंड इन ऑर्गेनाइजेशन वेयर रूल्स आर अप्लाइड जुडिशियली। यानी कि रूल्स, यहाँ पे रूल्स के हिसाब से काम चलता है। जैसे आज क्या होता है, कोई रूल लेके बनेगा, कोई लॉ बनेगा, संविधान बनेगा, उस हिसाब से पूरा काम किया जाता है। इन अकॉर्डेंस विद एसर्टेनेबल प्रिंसिपल वैलिड फॉर ऑल द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें रूल्स क्या सबके लिए वैलिड है, आज हमारे संविधान सबके लिए वैलिड है, कोई धर्म हो कोई जात हो सबके लिए वैलिड है। तो इस तरह रूल पे ये काम करता है, ये होती है लीगल रैशनल अथॉरिटी। इसके बाद बोलते हैं मेंबर वो एक्सरसाइज द पावर आर सुपीरियर वो आर अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय लीगल प्रोसीजर टू मेंटेन द लीगल ऑर्डर। ये कह रहे हैं कि जो इसमें रूल करता है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो सुपीरियर होते हैं वो क्या होते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं या इलेक्ट किए जाते हैं कोई लीगल प्रोसीजर के अंदर। देखिए इलेक्ट होगा लीगल अथॉरिटी में, लेकिन अभी ब्यूरोक्रेसी समझ आप पढ़ेंगे तो सिर्फ वहां अपॉइंटेड होगा। जैसे आप कल को यूपीएससी क्लियर करके जाते हैं, स्टेट पीसीएस करते हैं, तो आपको अपॉइंट किया जाता है, आपको लोग इलेक्ट नहीं करते, आपने अपनी अपने एग्जाम निकाल के आपको अपॉइंट किया जाता है। तो ये लीगल अथॉरिटी में लेकिन दोनों होता है, या तो कोई अपॉइंट किया गया है या इलेक्टेड है, वो होती है लीगल अथॉरिटी। आप ब्यूरोक्रेसी पढ़ेंगे तो वहां सिर्फ अपॉइंटेड आएगा, वहां इलेक्टेड नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखिए। इसके बाद कहते हैं इट्स मेंबर आर सब्जेक्ट टू रूल्स विच लिमिट्स देयर अथॉरिटी। इसमें क्या है कि जो मेंबर है यानी कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में चुना गया है, एक एग्जाम्पल देके रखिए, कोई भी सिविल सर्वेंट है वो चुना गया, तो रूल्स के हिसाब से काम करेगा और रूल के हिसाब से उसकी अथॉरिटी भी लिमिटेड होगी। ये नहीं कि वो कुछ भी अथॉरिटी होगी, आज सबकी जो अथॉरिटी वो लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री चाहे तो भी कुछ कर सकता है, उसकी भी कुछ लिमिटेशन है, कैबिनेट का अप्रूवल है, पार्लियामेंट यानी कि प्रेसिडेंट के पास जाएगा या पार्लियामेंट में कोई लॉ पास होगा। तो ये बोल रहे कि कुछ लिमिटेशन होती है हर इंसान के ऊपर और वो लिमिटेशन रूल्स के हिसाब से लगाई हुई होती है, इसको बोलते हैं लीगल रैशनल अथॉरिटी।
विच नेसेसरी कंट्रोल इट एक्सरसाइज, जो इसकी पावर को भी कंट्रोल करती है, कि ऐसा नहीं कि इतनी अथॉरिटेरियन पावर हो गई इसके अंदर, अथॉरिटेरियन पावर हो जाएगी तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी हो जाएगी कहीं ना कहीं. ये बोलते थे कि मैक्स वेबर बिलीव दैट ऑल द थ्री टाइप ऑफ अथॉरिटी क्लेम लेजिटिमेसी. अब तीनों ही अथॉरिटी जो हमने पढ़ी, ट्रेडिशनल पढ़ी, क्रिस्मेटिक पढ़ी, लीगल अथॉरिटी पढ़ी, तीनों में ही लेजिटिमेसी है, यानी कि लोग मान रहे हैं कि हाँ ये चीज लीगल है और हम इसको ये जो बोलेंगे वो मानेंगे. तो ये बोलते हैं लेकिन ये लेजिटिमेसी तब तक ही कायम रहती है जब तक जिनके ऊपर रूल कर रहे हो वो इसको एक्सेप्ट करे, वो इस चीज को माने कि हमारे ऊपर रूल हो रहा है, हमें ठीक लग रहा है रूल, यानी कि हम इसका विरोध नहीं करते. तब तक ही वैलिड है जब तक ये लोग मानते हैं. अगर ये लोग नहीं मानते तो वो अथॉरिटी लीगल नहीं है. दूसरी ये बात कहते हैं, अथॉरिटी सीज टू कैरी लेजिटिमेसी व्हेन द रूलर डू इलीगल. अगर रूलर भी कुछ इलीगल काम करेगा, कुछ ट्रेडिशन को इग्नोर करेगा, या उसका करिश्मा यानी कि उसका हीरोइज्म अगर लॉस्ट हो गया, तो उस केस में भी उसकी लेजिटिमेसी खत्म हो जाएगी और उसका रूल जो है खत्म हो जाएगा. इसके बाद देखिए इन्होंने बोला, ही स्टेट दैट प्योर टाइप ऑफ अथॉरिटी. अब प्योर टाइप अथॉरिटी क्या है? ऑलवेज फाउंड इन कॉम्बिनेशन ऑफ रादर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, ये बोला कि प्योर टाइप अथॉरिटी क्या होता है? ऑलवेज फाउंड इन कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन पाई जाती है, यानी कि या तो लीगल प्लस ट्रेडिशनल होगी या लीगल प्लस कैरिस्मेटिक होगी. तो ये बोले कि कॉम्बिनेशन पाई जाती है, तीनों भी हो सकती है. कि किसी इंसान ने, सपोज कीजिए, जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, ट्रेडिशनल अथॉरिटी ये गाँव है, या गांव है, या मुखिया है, समझ कीजिए ये मुखिया है. ठीक है, इस मुखिया को ये मुखिया के बच्चे को मान लो अपना यानी राज दिया गया. अब बच्चा ट्रेडिशनली इसको मिल गया, पहले अथॉरिटी होगी. दूसरा, इसके अंदर ऐसी पावर भी है कि ये लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके. तो दो क्वालिटी होगी, यानी कि ट्रेडिशनल भी हो गई यहाँ पे, प्लस क्रिस्मेटिक भी हो गई. तो ये बोल रहे हैं कि प्योर टाइप ऑफ अथॉरिटी वो होती है जो कॉम्बिनेशन में होती है, सेपरेटेड होती है, एक दूसरे सेपरेटेड होती है, तो वो प्योर टाइप अथॉरिटी नहीं होती, ऐसा इन्होंने बोला है. आप देखिए उसके बाद भी थोड़ी बातें और बोली इन्होंने लीगल रैशनल अथॉरिटी के बारे में. इसने कहा इट इज ऑलवेज पॉसिबल दैट द पैसेज ऑफ टाइम, ये कह रहे हैं कि जैसे ही टाइम गुजरता है, वन टाइप ऑफ अथॉरिटी टेंड्स टू एक्वायर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अदर, यानी कि एक अथॉरिटी दूसरी अथॉरिटी में भी कन्वर्ट हो जाती है. सपोज कीजिए, अब नॉर्मल देखिए, पहले हमारे ऊपर क्या है, अंग्रेज राज करते थे, यानी कि उन्हीं की ट्रेडिशनल एक अथॉरिटी चलती आ रही थी. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ब्यूरोक्रेसी आई हमारे अंदर, यहाँ पे इंडिया के अंदर, इंडिया आज़ाद हुआ, तो एक अथॉरिटी से दूसरी में चेंज हो गई, लीगल रैशनल अथॉरिटी बन गई हमारे यहाँ पे. तो ये बोल रहे कि टाइम के साथ साथ अथॉरिटी है उसके कैरेक्टरिस्टिक खुद में भी चेंज हो जाते हैं, और इस कारण भी मॉडिफिकेशन आता है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के अंदर, पूरा इंस्टीट्यूशन जो है वो चेंज हो जाता है. इसके बाद कहते हैं वन ऑफ द थ्री टाइप ऑफ अथॉरिटी. अब देखिए सबसे ज्यादा प्रीफर किसको किया, वेबर प्रीफर लीगल टाइप ऑफ अथॉरिटी और डोमिनेशन बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट रैशनैलिटी. और मैक्स वेबर ने कौन सी अथॉरिटी, जो थर्ड वाली लीगल टाइप अथॉरिटी थी, उसको एक्सेप्ट किया क्योंकि रैशनल होती है, इसलिए इसको लीगल रैशनल अथॉरिटी भी बोला जाता है. ये कहते हैं ही मेंटेन्स दैट लीगल टाइप ऑफ अथॉरिटी और डोमिनेशन अलोन इज सुटेबल फॉर मॉडर्न गवर्नमेंट. और ये बात इन्होंने बोली कि मॉडर्न गवर्नमेंट में जो लीगल रैशनल अथॉरिटी है वही ठीक है, उसी के हिसाब से रूल होना चाहिए और वही सुटेबल है. इसके बाद बोला वेबर डिजाइंड हिज ब्यूरोक्रेसी मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी कीपिंग द लीगल रैशनलिटी इन माइंड. और जो इन्होंने मॉडल भी बनाया ब्यूरोक्रेसी का, वो इस अथॉरिटी को ध्यान रखते हुए बनाया था. चलिए इसके अलावा देखिए, अब इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के बारे में क्या बोला वो सब हम देखेंगे इसके अंदर. नॉर्मल सोचिए कि आज जो हमारे देश में चल रहा है वही है ये ब्यूरोक्रेसी. ठीक है, थोड़े से कुछ चेंजेस अलग चीज़ हो सकती है, बट 99% या 95% बोले तो वही चीज़ है ये. तो आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगी, आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन को समझते ही हैं. ये बोलते हैं कि पहले इन्होंने डिफाइन किया कि ये देखिए डिफाइन क्या हुआ, मतलब नॉर्मली डिफाइन कर रहे हैं ये कि ब्यूरो क्या होता है, मतलब पब्लिक ऑफिस. ब्यूरो पब्लिक ऑफिस इन सम फॉर्म ऑफ अदर वर ऑलवेज एडजंक्ट टू ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, तो वही बात बोल रहे हैं कि जो पब्लिक ऑफिस होता है हर जगह आज के टाइम में, जहाँ पे ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट है हर जगह ये चीज़ देखने को मिलती है. ये कहते हैं कि अगर बात करें हम, इट वॉज मिस्टर डी गॉर्नी जो फ्रांस के इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी जो टर्म है उसको यूज़ किया था. तो जो इसके ब्यूरोक्रेसी टर्म की इन्होंने डिफाइन की, एंड डिफाइन नहीं जो यूज़ की, वो थे मिस्टर डी गॉर्नी जो फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन फर्स्ट टाइम इन्होंने ही यूज़ की. उसके बाद बोलते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी काफ़ी लोगों ने यूज़ किया, इसको पॉपुलराइज किया, लेकिन उसके बाद सबसे पहले इसको डिफाइन किसने किया सिस्टमेटिक तरीके से, वेबर वॉज द फर्स्ट सोशल साइंटिस्ट वो मेड ए सिस्टमेटिक स्टडी. इन्होंने सिस्टमेटिक स्टडी की ब्यूरोक्रेसी की और इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो इन्होंने डिफाइन की. ये बोलते हैं वेबेरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू मैनी
बिकॉज इट लार्जली रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी. तो काफ़ी लोगों ने ये आज भी ये मान के चलते हैं कि जो वेबर की मॉडल था ब्यूरोक्रेसी का, वो आज भी उसकी जो स्पिरिट है या जो भी उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन की, वो आज की मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी देखने को मिलते हैं. इसलिए बोलते हैं दिस इज द रीजन वाई वेबरियन मॉडल इज बींग यूज एज रेफरेंस. इसलिए वेबर का जो मॉडल है इसको रेफरेंस मान के ही और जो अलग अलग ब्यूरोक्रेसी के मॉडल है वो आज भी सभी देशों के अंदर, मोस्टली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है. ये बोलते हैं वेबर ने कभी ब्यूरोक्रेसी डिफाइन नहीं की, व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी, सिर्फ इसके कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन किए. ठीक है, कि इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये याद रखिए. इन्होंने क्या बोला, टू हिम ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या है, इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ अपॉइंटेड ऑफिशियल. याद रखिए इस स्टेटमेंट को, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन की बात हो रही है, बॉडी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ अपॉइंटेड, जिन ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जाता है, तो वो है ब्यूरोक्रेसी. अब ये कहते हैं कि देखिए इन ब्यूरोक्रेसी ही इंक्लूडेड एक्सप्लिसिटली अपॉइंटेड ऑफिशियल. ये मैंने बात बताई, जो सिर्फ अपॉइंट किए जाएंगे वो ऑफिशियल्स होते हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर, जो इलेक्टेड होते हैं वो नहीं होते. जबकि हमने लीगल रैशनल अथॉरिटी के अंदर क्या पढ़ा, लीगल रैशनल अथॉरिटी के अंदर कि जो अपॉइंटेड होते हैं और इलेक्टेड होते हैं दोनों को लीगल रैशनल अथॉरिटी में आता है. लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्यूरोक्रेसी के लिए स्पेशली डिफाइन किया कि जो अपॉइंटेड ऑफिशियल है वही इसके अंदर आएंगे, यानी कि जो नेता चुने गए हैं वो नहीं आएंगे इसके अंदर ब्यूरोक्रेसी के अंदर. सिंपल सी बात है, ब्यूरोक्रेसी में तो वो तो नहीं आएंगे आज की मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो. अब देखिए इन्होंने इसको भी कैटेगराइज किया, ये बोलते हैं कि इन द केस ऑफ अथॉरिटी वेबर कैटेगराइज ब्यूरोक्रेसी. इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन किया अलग अलग, जैसे पैट्रीमोनियल ब्यूरोक्रेसी कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, पैट्रीमोनियल ब्यूरोक्रेसी फाउंड इन ट्रेडिशनल एंड क्रिस्मेटिक टाइप ऑफ अथॉरिटी. यहाँ पे भी ब्यूरोक्रेसी होती है. ब्यूरोक्रेसी इन्होंने अपनी जो ब्यूरोक्रेसी दी वो लीगल रैशनल अथॉरिटी पे दी कि कैसी होनी चाहिए, लेकिन इनका ब्यूरोक्रेसी अलग अलग भी पाई जाती है और भी जगह पे, और भी जो अथॉरिटीज है उनमें भी पाई जाती है. जैसे पैट्रीमोनियल अथॉरिटी वो कहाँ पे, सॉरी पैट्रीमोनियल ब्यूरोक्रेसी वो कहाँ पे पाई जाएगी, ट्रेडिशनल और क्रिस्मेटिक अथॉरिटी के अंदर. लेकिन लीगल रैशनल ब्यूरोक्रेसी जो है वो कहाँ पे पाई जाएगी, लीगल टाइप ऑफ अथॉरिटी. वही बात है. अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैरेक्टराइज किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीगल रैशनल ब्यूरोक्रेसी पॉपुलरली नोन एज वेबर मॉडल. और जो लीगल रैशनल ब्यूरोक्रेसी है उसी को ही वेबर का मॉडल कहा जाता है. अब इन्होंने देखिए कुछ फाइव एलिमेंट सब्सटेंटिएट द व्यू दैट वेबर लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन रिलेशनशिप बिटवीन लेजिटिमेसी एंड इम्पर्सनल ऑर्डर. अब ये सब चीज़ें तो हम समझ ही रहे हैं कि कैसे जो वैक्स वेबर ने है अपना स्ट्रेस किया कि एक रिलेशन क्या होना चाहिए लेजिटिमेसी और इम्पर्सनल रूल के अंदर, क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए. बोलते हैं हिस्टोरिकल, टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव है, इम्पैक्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ अपॉन द फंक्शनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेटाइजेशन, टिपिकल पर्सनल ओरिएंटेशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक ऑफिस एज अलाइट ग्रुप, गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी इन मॉडर्न. तो वो सब चीज़ें सिंपल सी चीज़ें, इसको कुछ समझने की ज़्यादा जरूरत है नहीं. अब सबसे बड़ी बात है कि मॉडल क्या दिया ब्यूरोक्रेसी का, उसको समझने की जरूरत है. ये देखिए बोलते हैं मॉडल ऑफ लीगल रैशनल ब्यूरोक्रेसी डिजाइन बाय वेबर हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक. ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. सबसे पहले जो ऑफिशियल बिजनेस होगा वो कंटिन्यूस चलता रहे, सबसे बड़ी बात है. आज भी हमारे यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी क्या है, कोई भी जो सिस्टम है स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कंटिन्यूस बेसिस पे चलता है, फर्स्ट चीज. सेकंड चीज है कि ये रूल के हिसाब से काम करेगा, वही वाली बात, रूल्स के हिसाब से ही पूरा सिस्टम काम करेगा. इसके बाद बोलते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ ईच ऑफिशियल इज डिलिमिटेड. सबकी जो पावर है फंक्शन है वो डिफाइन किया हुआ है, यानी कि उससे बाहर नहीं निकल सकता वो. ये नहीं है कि कोई भी एक आईएएस बन गया तो किसी को भी मर्डर कर देगा, ऐसा नहीं कर सकता. उसकी पावर लिमिटेड है, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके अपना रूल नहीं चला सकता क्योंकि उसके डिफाइंड है कि इस डिस्ट्रिक्ट में ही आपका काम करना है. आपके ऊपर भी सुपीरियर है, आपके सुपीरियर जो कमांड देंगे आपको भी माननी होगी. तो ये बोल रहे हैं उसकी पावर और फंक्शन होता है उनको भी डिलिमिट किया गया है ताकि वो इन पर्सनल क्राइटेरिया बीच में ना आए कि, या इन पर्सनल तरीके से वो काम करे, कुछ पर्सनल उसका ना हो कि वो पर्सनली कुछ चाहता है कि ऐसा मैं करूं, वो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आपकी जो पावर है उनको भी डिफाइन किया हुआ है कि आप इसी चीज में ही आपकी पावर है, आप हर जगह अड़ंगी नहीं अड़ा सकते. इसके बाद बता रहे मैचिंग अथॉरिटी टू कैरी आउट हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी. अब उसको उतनी ही अथॉरिटी दी जाती है जिससे वो अपनी जो यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसको जिम्मा दिया हुआ है उस पर वो काम कर सके. मीन ऑफ कंपल्शन एट हिज डिस्पोजल आर स्ट्रिक्टली लिमिटेड. अब ये कि अपने हिसाब से कुछ काम करे तो उसको लिमिट किया हुआ है. एंड द कंडीशन अंडर विच द देयर एम्पावरमेंट इज लेजिटिमेसी आर क्लियर डिफाइंड. अब उनका एम्पावरमेंट क्या होगा ये भी डिफाइन होगा, ये भी पूरा डिफाइंड होता है कि आपका एम्पावरमेंट कैसे होगा. ऐसे नहीं कि आप ब्यूरोक्रेसी के अंदर आ गए तो आपका एम्पावरमेंट ही नहीं होगा, लेकिन इसके ऊपर भी सब कंडीशन लगी होती है. आपका प्रमोशन होगा इतने साल में ही होगा, आपके किस बेसिस प्रमोशन होगा, सब कुछ रूल डिफाइंड है. इसके बाद बोलते हैं एवरी ऑफिशियल एंड एवरी ऑफिस इज ए पार्ट ऑफ हायरार्की. एक हायरार्की बनी हुई है, यानी कि सुपीरियर
जूनियर को बोलेगा वो करना होगा, ये अपने जूनियर को बोलेगा वो करना होगा, वो उसके जूनियर को, यानी कि हायरार्की एक सिस्टम पूरा बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है इस ब्यूरोक्रेसी के अंडर, ऐसा ही इनकी जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें ऐसा बोला गया, हायर ऑफिशियल्स आर ऑफिसर सुपरवाइज द लोअर ऑफिशियल एंड ऑफिशियल हैज राइट टू अपील। ये कहते हैं कि वही बात है कि जो हायर ऑफिशियल है वो नीचे अपने जो सबॉर्डिनेट है उसके उसको जो बोलेगा वो करना पड़ेगा, लेकिन हाँ जो नीचे वाले को अगर लगता है ये चीज़ गलत है तो अपील भी कर सकता है, इस तरह के प्रोविजन भी होते हैं। ये बोलते हैं ऑफिशियल डज नॉट ओन द रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर रेंडरिंग देयर ड्यूटी, ये बोल रहे कि जो रिसोर्सेज होंगे, आप कहीं पे भी सेलेक्ट होके जाते हैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, तो आपके जो आपको जो रिसोर्सेज मिलेंगे वो आपके पर्सनल नहीं होंगे, सिर्फ वो इसलिए दे जाएंगे कि आप अपनी ड्यूटी कर सकें, राइट, आपके पर्सनल नहीं होंगे वो रिसोर्स, चाहे ऑफिस हो, ऑफिस का कोई भी सामान हो या कुछ भी चीज़ें हो, तो वो आपका पर्सनल नहीं होगा, सिर्फ आप वो इसलिए दिया गया है ताकि आप जो अपने ड्यूटीज हैं उसको परफॉर्म कर सकें, बट दे आर अकाउंटेबल फॉर यू जो, लेकिन हाँ इसके बाद ये अकाउंटेबल भी होंगे, कुछ गलत होता है तो यही अकाउंटेबल होंगे। बिजनेस, ये बोलते हैं ऑफिशियल बिजनेस एंड प्राइवेट अफेयर, ऑफिशियल रेवेन्यू एंड प्राइवेट इनकम आर स्ट्रिक्टली सेपरेटेड, यानी कि ऑफिशियल बिजनेस और प्राइवेट अफेयर जो है वो आपस में सेपरेट होगा, ऑफिशियल रेवेन्यू और प्राइवेट इनकम जो है ये दोनों अलग अलग होंगी, यानी कि ऑफिस के जो इनकम या पैसा आया है जिसको यूज करना है ऑफिस के लिए वो अलग होगा, प्राइवेट इनकम होगी जो आपकी वो अलग होगी, इसमें कोई नहीं है कि दोनों ही कंबाइंड हो गए, इनमें सेपरेशन बहुत जरूरी है, ऐसा इनके मॉडल में ये बात कही गई है। ये कहते हैं ऑफिस कैन नॉट बी फील्ड बाय इनकम्बेंट एज प्राइवेट प्रॉपर्टी, अब ऑफिस को जो है अगर जो ऑफिसर्स आएंगे उसके अंदर ऐसा नहीं कि प्राइवेट की प्रॉपर्टी की तरह भरा जाए, यानी कि कुछ करप्शन करके भरा जाए, ये भी क्या होंगे जो भी कोई चीज होगी ऑफिस में जो भी इनकम्बेंट्स होंगे वो भी प्रॉपर तरीके से अपॉइंटेड तरीके से उनका जो है चयन होगा और विच कैन बी सोल्ड एंड इनहेरिटेड। उसके अलावा जो प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात हो रही है, अगर जो ऑफिस की प्रॉपर्टी है उसको भी अगर बेचा भी जाता है तो, या बेचा जा सकता है लेकिन वो ऑफिशियल तरीके से जो चीजें होंगी और ऑफिस ये जो पैसा जाएगा वो पूरा सिस्टम के उसमें जाएगा, ना कि एक पर्सनल यूज में, और उसको इनहेरिटेड नहीं कर सकता कि ये मेरा पैसा है इस तरह। इसके बाद बोल रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इज कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट, सब कुछ रिटन होगा, ऐसा नहीं कि वर्बली कुछ काम होता है, तो सब कुछ आप गवर्नमेंट सर्विसेज में जाएंगे तो आपको पता चलेगा वर्बल पे कुछ नहीं होता, रिटर्न होना बहुत जरूरी है, जहाँ पे रिटर्न होगा वहीं पे आप उस चीज़ को, यानी कि हर चीज़ रिटर्न में होनी चाहिए, ओरली कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा इनकी ब्यूरोक्रेसी में बोला गया है जो इनका मॉडल है। इसके बाद बोलते हैं कि वेबर ऑल्सो डिस्कस इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑफिशियल, अब ऑफिशियल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेटर की क्या होनी चाहिए, वो तो ब्यूरोक्रेसी की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है हमने, अभी एक ऑफिशियल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये इनमें बताते हैं। ही इज पर्सनली फ्री, वो पर्सनली फ्री होगा एंड नॉट ए सर्वेंट ऑफ एनी वन, वो किसी का सर्वेंट नहीं होगा, उसको अपॉइंट किया जाएगा टू एन ऑफिशियल पोजीशन, सपोज कीजिए एक आईएएस ऑफिसर को अपॉइंट किया, आईपीएस को अपॉइंट किया, तो एक ऑफिशियल पोजीशन पे उसको अपॉइंट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यानी कि आप भाई आपकी इतनी रैंक आई है इस हिसाब से आपको सेलेक्ट हुए, आपको ये मिलता है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, अगर उसके कॉन्ट्रैक्ट हिसाब से ये ज्वाइन करना चाहता है इंडियन पुलिस सर्विस में गया तो पुलिस को सर्विसेज देनी पड़ेंगी उसको। इसके बाद बोलते हैं एक्सरसाइज द अथॉरिटी डेलीगेटेड टू हिम इन अकॉर्डेंस विद इन पर्सनल रूल, अब उसका जो इम्पर्सनल रूल है, यानी कि जो रूल्स हैं जिसके ऊपर कोई आपका ये नहीं कि मेरी मनमर्जी चलेगी, जो मतलब अपने मनमर्जी से कुछ नहीं कर सकते, जो आपके रूल्स हैं इम्पर्सनल रूल्स होने चाहिए, हिज लॉयल्टी इज एक्सप्रेस थ्रू फेथफुल एग्जीक्यूशन ऑफ ड्यूटी, और उसकी लॉयल्टी उसी से पता चलेगी कि क्या वो जो भी जो अपनी ड्यूटीज है उसको परफॉर्म फेथफुली कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके बाद बोलते हैं अपॉइंटेड एंड जॉब प्लेसमेंट आर डिपेंड ऑन देयर टेक्निकल क्वालिफिकेशन, और जो उनको अपॉइंटमेंट मिलेगी या जॉब मिलेगी वो उनकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल में एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिफिकेशन भी हो गया, अब यूपीएससी का जो एग्जाम है वो क्लियर करके जाएंगे, अब स्टेट पीसीएस का एग्जाम क्लियर करके जाएंगे, तो एक क्वालिफिकेशन होती है उसको ही आप अगर क्लियर करेंगे तो ही आपकी अपॉइंटमेंट होगी। अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इज फुल टाइम ऑक्यूपेशन, फुल टाइम ऑक्यूपेशन होगा, ये नहीं कि इसके अलावा भी आप कुछ और काम कर रहे हैं, ये आपका फुल टाइम ऑक्यूपेशन होगा, कुछ और आप काम करते भी है तो वो चीज आपको डिफाइन करनी होगी कि मैं ये काम थोड़ा बहुत करता हूं, लेकिन इधर यहां पे क्या बोला है कि फुल टाइम ऑक्यूपेंसी होगी, ये भी एक तरह से बोल सकते हैं कि आज ऐसा नहीं होता है, बहुत जगह भी ये पर्सपेक्टिव नहीं माना जाता। इसके बाद बोलते हैं वर्क इज रिवॉर्डेड, अगर अच्छा काम करते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, जैसे सैलरी तो मिलती है, उसके अलावा रेगुलर आपका एडवांसमेंट भी होगा कि आपको प्रमोशन मिलता रहेगा या कहीं भी कोई और जो पर्क्स मिलते हैं वो भी मिलते रहेंगे लाइफ टाइम जो आपका करियर है उसके अंदर। इसके अलावा देखिए बोलते हैं वेबर थॉट दिस इज द लीगल रैशनल ब्यूरोक्रेसी इज टेक्निकली सुपीरियर टू ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये कहते हैं और कोई भी सिस्टम जो है उससे जो लीगल रैशनल ब्यूरोक्रेसी है ये टेक्निकली सुपीरियर होती है।
इसके बाद ही इन्होंने बोला, पीपल वंस रूल्ड बाय ब्यूरोक्रेसी कैन नेवर थिंक ऑफ एनी अदर अल्टरनेटिव। और कहते हैं कि किसी ने भी एक बार ब्यूरोक्रेसी का रूल देख लिया तो इसका जो है कोई भी इनको अल्टरनेटिव है वो पसंद कभी नहीं आएगा। हैंस इट इज़ ए परमानेंट एंड इनडिस्पेंसेबल, यानी कि परमानेंट है और कभी ख़त्म ना होने वाली ये चीज़ है ब्यूरोक्रेसी, अगर किसी भी देश में लागू हो जाती है तो। ये बोलते हैं इन वेबेरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी द मेन एलिमेंट, अब मेन मेन एलिमेंट क्या थे, इम्पर्सनल ऑर्डर, रूल के हिसाब से चलना चाहिए, स्पीयर ऑफ कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, हायरार्की होनी चाहिए, पर्सनल एंड पब्लिक एंड रिटन डॉक्यूमेंट, मोनोक्रेटिक टाइप। अब इनको हम डिफाइन करेंगे एक एक करके, पता होना चाहिए। डायरेक्ट देखिए, सिर्फ आप बीच में ये नहीं डालेंगे, रूल है सबको पता है रूल क्या है, पर्सनल ऑर्डर सबको पता है, लेकिन आप इनको पता होना चाहिए आपको भी जब आप आंसर में लिखेंगे ये चीज़। अभी इस बार का क्वेश्चन यही आया था कि एफिशिएंसी और लीगल अथॉरिटी जो है आपस में एक तरह से बिल्कुल इंटरलिंक्ड है। अब कैसे बताएंगे इसको, पहले बताएंगे लीगल रैशनल अथॉरिटी में होता क्या क्या है। एक रूल के हिसाब से चलती है, इम्पर्सनल रूल होते हैं, एक अकाउंटेबिलिटी होती है, अपॉइंटेड होते हैं, अपॉइंटेड ऑफिशियल होते हैं, कुछ क्राइटेरिया, उनकी क्वालिफिकेशंस होती हैं, और एक सेट रूल्स पे चलते हैं, रिटर्न होता है, ये सब चीजों के कारण एफिशिएंसी होती है। लेकिन फिर उसमें आखिरी के पैराग्राफ में एक पैराग्राफ पहले आप लिखिए, ये भी लिखेंगे कि क्यों इनके अंदर प्रॉब्लम भी आती है जो एफिशिएंसी को रोकती है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो ये इस तरह आपका क्वेश्चन पूरा हो जाता है, उसके अलावा आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, राइट। तो इसके अंदर देखिए, ये पहले हम डिफाइन करते हैं पर्सनल ऑर्डर में क्या है, यानी कि फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, आपका कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई भी आप जो भी डिसीजन लेंगे वो यानी कि जो होगा ऑफिशियल, यानी कि ऑफिस के लिए, देश के लिए अच्छा होगा, उस तरह का आप डिसीजन लेंगे। फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि आपको सपोज कोई टेंडर पास करना है तो आपने कुछ डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, इसको दे दिया, इसको नहीं दिया। अगर जो क्वालिफाइड है, जिसको देना चाहिए आपको उसी को देना है। तो ये बोलते हैं इम्पर्सनल ऑर्डर, राइट। ये बोलते हैं कि वेबर आइडियल टाइप कंस्ट्रक्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज मोस्ट स्ट्राइकिंग एंड थॉट प्रोवोकिंग आइडिया इन हिज बिलीव दैट इम्पर्सनल ऑर्डर शुड बी ओरिएंट द एक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी बोथ इन अश्योरेंस ऑफ द कमांड टू सबॉर्डिनेट एंड देयर ओबीडियंस टू देम। ये बोलते हैं कि इम्पर्सनल ऑर्डर अगर कोई भी देता है या इम्पर्सनल तरीके से काम करता है, यानी कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो ये बताते हैं कि ये जो एक्शन होगा या ये जो कमांड होगी, सबॉर्डिनेट इसको बिल्कुल मानेगा और ओबीडियंस रहेगी, वो उसको कोई डिनाई नहीं करेगा। अगर ये चीज़ नहीं करते हैं, ये कुछ पर्सनल चीज़ अपनी मनवाने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है सबॉर्डिनेट ना माने और उस चीज़ में जो है ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर फेल होती हुई नजर आएगी, ऐसा ही बताते हैं। इसके अलावा देखिए, इनका क्रिटिसिज्म ये करते हैं, मैटोन बोलते हैं अथॉरिटी द पावर ऑफ कंट्रोल विच डिराइव्स फ्रॉम एक्नॉलेज स्टेटस इनहेरिज द ऑफिस नॉट इन पर्टिकुलर पर्सन वो परफॉर्म द ऑफिशियल रोल। देखिए ये अभी क्रिटिसिज्म आगे आएगा। ये बोलते हैं कि मार्टिन ने भी क्या बोला कि अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी द पावर टू ऑफ कंट्रोल। अब ये किससे बोलते हैं कि अथॉरिटी कहाँ से आती है, ये उससे आती है कि आप किस ऑफिस में, आपका क्या स्टेटस है, आप किस पोस्ट पे बैठे हैं, ना कि इंसान कोई पर्सनल इंसान कैसा है। आप देखिए, कोई रास्ते में जा रहे हैं, आपने किसी को देखा, आपको क्या पता ये कौन है, लेकिन जब उसके ऑफिस जाएंगे तो आप उस तब उसकी अथॉरिटी पता चलेगी ना, आपकी उसकी अथॉरिटी क्या है। तो ये बोलने कि पर्टिकुलर पर्सन को यानी कि कोई महत्वता नहीं है, उसका क्या रोल है और क्या ऑफिस को वो यानी कि किस पोस्ट पे है वो मैटर करता है, तो उसे बोलते हैं यानी कि उस हिसाब से वो उसको डिसीजन लेने चाहिए, फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन इम्पर्सनल ऑर्डर देना चाहिए। वो ये इन्होंने देखिए अलग से डिफाइन कर दिया है बस अथॉरिटी का यहाँ पे। इसका रूल, रूल तो मैंने बताई दिया, रूल बेस्ड होना चाहिए, बाउंड बाय रूल्स, अडेरेंस टू रूल, यानी कि ब्यूरोक्रेसी कैरेक्टरिस्टिक ये बता रहे हैं कि उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर ब्यूरोक्रैट होगा उसकी। ये बोलते हैं ओरिजिनल कंसीव्ड एज मीन बिकम एन एंड, ये बोलते हैं लेकिन इसको क्या है, रूल्स को एक मीन बनाया गया था कि इसके हिसाब से काम होगा, लेकिन ये एंड यही बन गया कि अब हर चीज रूल जब तक ये पूरा फॉलो नहीं होगा जब तक काम होता ही नहीं है। तो ये इन्होंने यहाँ पे एक चीज बताई है नेगेटिव जो इसका पर्सपेक्टिव है। ये बोलते हैं रूल्स बिकम मोर इंपोर्टेंट देन गेम। अब यहाँ पे रूल्स ज्यादा इंपोर्टेंट बन गए गेम से। अभी गेम क्या है, गेम का मतलब क्या है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे हमारा एम है कंट्री को आगे बढ़ाना, लेकिन अब क्या है कि इस काम सारा किससे हो रहा है, रूल से, कि रूल जब तक ये नहीं होगा जब तक ये नहीं होगा, तो इस वजह से कंट्री को क्या प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, सपोज कीजिए। तो ये बता रहे कि गेम क्या था, कंट्री की प्रोग्रेस करना, लेकिन हम किस में फंस के रह गए, रूल के अंदर। तो ये एक नेगेटिव इसका पर्सपेक्टिव बता रहे हैं, दिस पार्ट रूल्स बिकम प्रोसीजरल डिले, और रूल्स की वजह से डिले बहुत होने लगा, दिस क्रिएट द कॉम्प्लिकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, और इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन में कॉम्प्लिकेशन भी आ गए हैं। स्पीयर ऑफ कॉम्पिटेंस के बारे में क्या कहते हैं, वेबर स्पेसिफाइड स्पीयर ऑफ कॉम्पिटेंस इन्वॉल्व स्पीयर ऑफ ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म फंक्शन विच हैव बीन मार्क्ड ऑफ ऑफ ए पर्टिकुलर सिस्टमेटिक डिवीजन ऑफ लेबर। एक अलग अलग लेबर को डिवाइड किया है कि ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा, तो उसी को बोलते हैं स्पीयर ऑफ कॉम्पिटेंस। उसमें बताते हैं कि द प्रोविजन ऑफ द इनकम्पेटेंट विद द नेसेसरी अथॉरिटी टू कैरी आउट दिस फंक्शन। अब
पहले तो डिवीजन हुआ, अब इनको कैरी आउट करना है, ये फंक्शन जो इनको दिए हैं ये कैरी आउट भी करने हैं। उसके बाद क्लियर डिफाइंड मीन ऑफ कंपल्शन सब्जेक्ट टू डिफाइंड कंडीशन ऑन दे रहे हो। अब इसके ऊपर कुछ कंपल्शन भी है कि आपको इस तरह ही ये काम करना है और इस तरह ही आपका जो है पूरा डिसीजन लेना है, ये सब करना है, तो ये स्पीयर ऑफ कॉम्पिटेंस को बोलते हैं। हायरार्की क्या होगी, मैंने बताया कि ऊपर वाला नीचे वाले पर कंट्रोल करेगा, इसी को हायरार्की बोलते हैं, कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ हायर वन। इसके बाद बताते हैं पर्सनल एंड पब्लिक फंड, इनमें एक यानी कि डिफरेंशिएट होना चाहिए। पब्लिक फंड यानी कि गवर्नमेंट का जो पैसा है उसको आप कैसे यूज करेंगे, पर्सनल जो है आप उसको अपने पर्सनल जो सैलरी होगी उसको कैसे यूज करेंगे, लेकिन ये नहीं पब्लिक फंड को आप पर्सनल यूज के लिए यूज करें, तो वो यहाँ पे ये बोलते हैं कि वो जो टाइप है वो ठीक नहीं है। ये बोलते हैं वेबर्स आइडियल टाइप एज फार एज इट प्लीड फॉर सेपरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ फ्रॉम द ओनरशिप बाय मीन ऑफ प्रोडक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन। ये कह रहे हैं कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ भी प्रोडक्शन होता है या कुछ भी काम होता है तो उसमें ये नहीं कि स्टाफ जो है वो अपनी ओनरशिप मान लेगा उसके अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक सेपरेशन होनी चाहिए। सैलरी है वो पर्सनल यूज़ के लिए है और जो पैसा आता है बजट आता है वो पब्लिक फंड है, उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज में लाने की जरूरत है। ये बताते हैं नेसेसरी चेक ऑन ब्यूरोक्रेट टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पोजीशन। ये कह रहे हैं कि ऐसे चेक्स भी लगाए जाते हैं ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेट के ऊपर ताकि वो मिसयूज ना कर सके। जैसे कुछ अथॉरिटीज बनाएगी, सीबीआई बनाई, डीआरआई है, इस तरह की अथॉरिटीज बनाई गई है जो कुछ भी मिसकंडक्ट होता है उसको पूरा जांच सके। इसके अलावा यानी कि और भी लोकपाल हो गया, लोकायुक्त हो गया, ऐसी चीजें क्यों अपॉइंट की जा रही है ताकि इनके ऊपर चेक एंड बैलेंसेज हो सके। रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सब कुछ रिटर्न में होना चाहिए, कुछ भी जो है ओरली नहीं माना जाता है यहाँ पे। वेबर की ब्यूरोक्रेसी कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं हम, ये बोलते हैं डॉक्यूमेंट और अकाउंटेबल टू, अब जो आप लिखेंगे उसी के लिए आप अकाउंटेबल रहेंगे, और इसके अंदर टेक्निकल जो पीपल क्वालिफाइड है उन्हीं को सेलेक्ट किया जाता है ताकि उनको पता हो कि हम अकाउंटेबल है और हम कैसे हमें लिखना है। आज भी देखिए यूपीएससी के पेपर के अंदर या स्टेट पीसीएस के अंदर सब्जेक्टिव पेपर क्यों लिया जाता है, इसी का रीज़न यही है कि आप जो लिखते हैं आपके लिखा हुआ ही मैटर करेगा, उसी के लिए आप अकाउंटेबल होते हैं। ये बोलते हैं कि क्राइटेरिया अदर क्राइटेरिया ऑफिशियल आर फिक्स सैलरी आपको मिलेगी, फुल टाइम ऑक्यूपेशन मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, स्ट्रिक्ट एंड सिस्टमेटिक डिसिप्लिन एंड कंट्रोल। लेकिन ये बोलते हैं वेबर असर्टेड दैट द मोनोक्रेटिक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम प्योरली टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू कुड बी कैपेबल ऑफ अटेनिंग द हाइएस्ट डिग्री ऑफ एफिशिएंसी। ये इन्होंने एक बात बोली कि जो मोनोक्रेटिक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रॉम ए प्योरली टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या जो प्योर जो ऐसी ब्यूरोक्रेसी जो प्योर टेक्निकल हो यानी कि जो स्पेसिफाइड काम दिया जाए उस काम में निपुण हो एक तरह से टेक्निकली, कुड बी कैपेबल, वो जो ब्यूरोक्रेसी होगी या ऑर्गेनाइजेशन होगी वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ एफिशिएंसी उसको मिलेगी, राइट। चलिए ये इसके क्रिटिसिज्म अभी आगे पढ़ेंगे। अब देखिए क्रिटिक्स भी आ गए, अब क्या क्या क्रिटिसिज्म इनके बारे में बोला गया। देखिए इन्होंने बोला कि तीन तरह की चीज़ों पर इनको क्रिटिसाइज किया। सबसे पहले रैशनैलिटी, इन्होंने बोला कि यही रैशनल मॉडल है। उसके बाद दूसरा इनको क्रिटिसाइज किया गया सूटेबिलिटी ऑफ द मॉडल टू द एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट प्लेस इन चेंजिंग टाइम। अब टाइम के साथ क्या आपको पता है ब्यूरोक्रेसी की जो है वो भी काम चेंज हो गए हैं, उनकी जो अथॉरिटी वो भी डिफाइंड डिफरेंट तरीके से होने लगी है, तो इसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म हुआ। उसके बाद वेबर का क्या क्रिटिसिज्म हुआ, वेदर द मॉडल अटेंड, अब ये भी कि क्या इनका जो मॉडल है ये प्योर यानी कि यह मैक्सिमम एफिशिएंसी ला सकता है, इसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म हुआ। अब कुछ क्रिटिसिज्म देखते हैं, ये बोलते हैं कि ये करके एक्सरसाइज जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकते हैं, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि कॉन्फ्लिक्ट आएगा। उन्होंने बोला बस जो जो सुपीरियर बोलेगा जूनियर को वो काम करना पड़ेगा, लेकिन ये बोलते हैं ऐसा नहीं होता है, कॉन्फ्लिक्ट भी आते हैं, उनके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला कॉन्फ्लिक्ट जो आएंगे उनको कैसे सोल्व किया जाए। उसके बाद इनसफिशियंट एज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ ब्यूरोक्रेटिक फैक्ट विल बिहेव बिकॉज द ऑफिशियल दे हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक एज सोशल बींग। अब इन्होंने कुछ भी जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है जो एल्टन मेयो ने बोला, कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर मैरी पार्कर फोलेट ने बोला, तो जो इन्होंने क्या ना कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बोला ना कुछ ऐसा, इन्होंने बोला कि देखिए ऑफिशियल जो होते हैं उनकी भी कुछ खुद की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो ऐसा नहीं कि मशीन की तरह आए काम किया निकल गए, उनकी भी कुछ सोशल बींग होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कोई गुस्से वाला होता है, कोई किसका नेचर बहुत सॉफ्ट होता है, तो अलग अलग तरीके के होते हैं। इन्होंने इस तरह की चीज़ों को डील नहीं किया, नहीं बताया कि इनफॉर्मल जो चीज़ें होती हैं उनको वो कैसे चलती हैं। इसके बाद ये बताते हैं कि हाई पोजीशन हायरार्की अथॉरिटी विल बी मैच्ड विद इक्विवेलेंट प्रोफेशनल स्किल। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो ऊपर बैठा है उसको हायरार्की में ऊपर है वो सबसे ऊपर, ठीक है, ये हायरार्की बनी हुई है, सबसे ऊपर जो बैठा हो उसको
जरूरी नहीं है कि उसके पास उतनी प्रोफेशनल स्किल्स हो। तो ये बोल रहे कि वेबर ने ऐसा भी कुछ नहीं बताया कि जरूर, इन्होंने बोला कि जो जिस जहाँ स्थान पे बैठा है उसके पास उतनी अथॉरिटी है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ये कहता है इन सच केस ऑफ इंडिविजुअल वर्किंग एंड ऑर्गेनाइजेशन विल फेस द प्रॉब्लम ऑफ वोंट टू ओबे। ये कह रहे बहुत बार ऑर्गेनाइजेशन में ये भी होता है, इंसान को ये लगता है किसको फॉलो करूँ, इसको इसके नीचे भी रखा गया है, ये भी रखा गया है, ठीक है, और ये इसके भी नीचे, तो अब इसको कन्फ्यूजन हो जाता है मैं इसको फॉलो करूं या इसको फॉलो करूं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये भी प्रॉब्लम आती है कि राइट इंसान कौन है। अब देखिए दो चीजें होती है, एक तो इंसान टेक्निकली स्ट्रांग है और एक इंसान, ये देखिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए ये लोग है, इसके नीचे ये जूनियर है, ये सीनियर है, ये सीनियर है। अब ये बोलते हैं कि जूनियर इसके पास एक्सपर्टीज है, इसको नॉलेज है, लेकिन ये कमांड है इसकी, तो अब ये किसके पास जाए, इसके पास जाए, इसके पास कोई क्वेश्चन पूछना है इसको या कुछ भी करना है तो ये जाना चाहिए सुपीरियर के पास हायरार्की के अकॉर्डिंग, लेकिन इसको चाहिए नॉलेज, इसके पास नॉलेज है नहीं, इस ये जाएगा इसके पास। तो ये बोल रहे कि इस केस में तो हायरार्की जो मेंटेन नहीं हुई, तो ये बोल रहे कि ऐसा भी होता है, इस चीज़ पर वेबर ने कुछ नहीं बताया। इसके अलावा और क्या क्रिटिसिज्म होते हैं, ये बोलते हैं कि देखिए इन्होंने दो टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी अलग से डिफाइन की, यूजिंग पर्सन क्रिटिसिज्म एज ए स्टार्टिंग पॉइंट। जो एल्विन गोल्डनर थे उन्होंने डिस्टिंग्विश, उन्होंने दो तरह की ब्यूरोक्रेसी बताई। सबसे पहली पनिशमेंट सेंटर्ड ब्यूरोक्रेसी, इसके अंदर क्या होता है, लोगों को ये लगे कि हमें जबरदस्ती ज़्यादा काम कराया जा रहा है और इतने रूल्स हमारे ऊपर लगा दिए गए हैं, आपको 7 बजे ही ऑफिस आना है, 9 बजे ही निकलना है, इतनी फाइल करनी है, अगर इस तरह के रूल लगा दिया जाए तो लोगों को ये पनिशमेंट लगने लगती है, उनको लगता है कि हमारे ऊपर रूल चलाया जा रहा है। जैसे अंग्रेजों का रूल था, तो अंग्रेजों का रूल था यानी कि वो जो बोलेंगे वही होगा, और ये बोल रहे हैं कि ऐसा जब होता है तो उसको पनिशमेंट सेंटर्ड ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। एक होती है रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी, उसमें क्या होता है, वेयर द मेंबर्स रिगार्ड रूल एज नेसेसरी ऑन टेक्निकल ग्राउंड एंड इन देयर ओन इंटरेस्ट। जहाँ पे लोगों को लगे कि ये मैं काम कर रहा हूँ, ये जो ऑफिशियल को लगे ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये टेक्निकल ग्राउंड पे सही है और मुझे ये काम करना चाहिए, जो वो रूल्स को मानने लगे, उसको लगे कि हाँ ये इंटरेस्ट के लिए है, सबके इंटरेस्ट के लिए, वो होती है रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी। अभी रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी हम आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये इन्होंने जस्ट बताया कि दो तरह की ब्यूरोक्रेसी है, लेकिन जो वेबर है इन्होंने बोला कि नहीं, मेरी जो ब्यूरोक्रेसी है वही प्योर है, आइडियल है, रैशनल है। ये कहना कि अलग अलग तरह की ब्यूरोक्रेसी भी होती है। इसके अलावा बताते हैं कि इनफॉर्मल प्रोसेस भी होता है, लोगों का जो बिहेवियर होता है, किसी के साथ अच्छा है, किसी के साथ बुरा है, सुपीरियर को कुछ लोग पसंद नहीं करते, कुछ लोग किसी और को पसंद करते हैं, ये बोलते हैं इस तरह के इनफॉर्मल प्रोसेसेस भी होते हैं सिस्टम के अंदर, उसके बारे में बिल्कुल डील नहीं किया वेबर ने। ये बोलते हैं कि वेबर कैरीज ए मिसकंसेप्शन दैट एडमिनिस्ट्रेशन वॉज रैशनल मशीन। ये कहते वही बात कि वेबर को लगता था कि एडमिनिस्ट्रेशन एक रैशनल मशीन है एंड ऑफिशियल्स आर मेयर टेक्निकल फंक्शनरीज, और जो ऑफिशियल है वो टेक्निकल फंक्शनरी है। जैसे बोला, जैसे मशीन को बोला स्विच दबाया तो काम करने लगा, इसी तरह इन्होंने यानी कि ये लगा कि वो सुपीरियर ने बोला जूनियर काम स्टार्ट कर दिया, ये बोले ऐसा नहीं होता है, ये चीज आज के सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेशन में ये चीजें नहीं होती है। इसके बाद और भी कुछ क्रिटिसिज्म किया, सबसे पहली बात बताया कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो वेबर का जो मॉडल है उसको हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, हर जगह पे अलग रूल है, अलग रिलीजन है, अलग सब कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं या नॉर्म्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। ये बोलते हैं कि इसलिए नहीं बोल सकते कि एफिशिएंसी जो है वो लीगल रैशनल ही जो अथॉरिटी उसी से आएगी, रिजिड रूल से ही एफिशिएंसी आए ऐसा जरूरी नहीं है। ये बोलते हैं एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन एन इंडिविजुअल इज अलाउड टू आइडेंटिफाई विद द पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये बोलते हैं कि एफिशिएंसी जब ही आती है जब एक इंसान को लगे कि वो जो काम कर रहा है उससे उसका भी बेनिफिट हो रहा है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट हो रहा है, और वो उस बिहेवियर को अडेप्ट करे और उस परसेप्शन जो है उसकी टाइम के साथ, और ये बोलना कि काफ़ी बार बिहेवियर जो है वो भी चेंज हो जाता है लोगों का, तो उस हिसाब से भी वेबर ने कुछ नहीं बताया बिहेवियर के ऊपर भी। ये बताते हैं कि कुछ ह्यूमन मोटिवेशंस भी होते हैं विच आर नॉट नेसेसरी वैलिड इन नॉन वेस्टर्न एनवायरनमेंट। ये बोलते हैं कुछ मोटिवेशंस भी होते हैं ह्यूमन मोटिवेशन, उस हिसाब से भी वो काम करता है, उसको भी डील नहीं किया। पेट्रियार्कल ब्यूरोक्रेसी में भी वेल मोर कंड्यूसिटिव। अब देखिए इन्होंने अलग अलग एक एग्जाम्पल दिए, विलियम डेलन ने बोला कि जो पैट्रिमोनियल ब्यूरोक्रेसी, पैट्रिमोनियल क्या पढ़ा था, ट्रेडिशनल प्लस स्कीमेटिक, तो पैट्रिमोनियल ब्यूरोक्रेसी है वो बोल रहे हैं कि कुछ जगह पे वो अच्छी है जहाँ पे अंडर डेवलप्ड सोसाइटी है और वहाँ पे ग्रोथ बहुत तेजी से करनी है। तो जैसे चाइना का ये एग्जाम्पल देते हैं, ये बोलते हैं कि जैसे इंडिया के अंदर अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहिए थी तो उसको चाइना का मॉडल अगर वो अपनाते, रशिया का मॉडल अपनाते, तो आज ग्रोथ बहुत तेज होगी, लेकिन इंडिया ने क्या है ब्यूरोक्रेटिक मॉडल अपनाया जिसके अंदर स्लो स्लो प्रोग्रेस हो रही है। इंडिया की प्रोग्रेस तो हो रही है लेकिन स्लो तरीके से हो रही है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर बढ़ानी थी तो इंडिया अगर
पेट्रीमोनियल ब्यूरोक्रेसी लेके आते तो शायद ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ती, राइट, वही एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। इसके बाद ये कहते हैं कि वेबर ने क्लेम किया कि रेशनल जो ब्यूरोक्रेसी है वो मॉडर्न फिनोमिना है, ये कहते हैं ऐसा नहीं है, चाइना के बात करें चाइना में 200 BC के अंदर भी इस तरह का मॉडल एग्जिस्ट करता था और ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाई गई हैं उस मॉडल के अंदर भी, तो ये जरूर नहीं कि आज के ही टाइम में ये चीज़ देखने को मिलती है। और भी कुछ क्रिटिसिजम्स हैं, इन्होंने कह रहे हैं कि इग्नोर द इंपॉर्टेंट चेंजेस, अब चेंजेस को इन्होंने मना कर दिया कि कुछ कुछ ये बताते कि वेबर ने जो है इग्नोर किया इंपॉर्टेंट चेंजेस, ब्यूरोक्रेसी दैट राइज द डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक लाइबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इन देन एनफोर्समेंट बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट। ये कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट चेंजेस है उसके बारे में इग्नोर करते हुए ये बता रहे हैं कि वॉट अबाउट द ऑपरेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी बाय द राइज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक लाइबिलिटी, ठीक है, पब्लिक की जो लाइबिलिटी वो बढ़ गई है उसके हिसाब से भी जो ब्यूरोक्रेसी को अलग तरीके से काम करना पड़ता है, अकाउंटेबिलिटी अलग हो गई है, अकाउंटेबिलिटी को एनफोर्स करने की चीज़ें बहुत हो गई, जैसे RTI आज आ गया है, ठीक है, सिटीजन चार्टर आज आ गया है, उसके अलावा कोई और CP ग्राम आज आ गया है, तो इससे क्या है कि अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसके अलावा अकाउंटेबिलिटी आप सुपीरियर की तो अकाउंटेबिलिटी है, मिनिस्टर काउंसिल ऑफ स्टेट्स की भी, यानी कि पार्लियामेंट भी आपके ऊपर कंट्रोल कर रहा है, कुछ भी आप गलत करते हैं तो पूरा मुद्दा हो जाता है। ये बोलते हैं कि आज के टाइम में अकाउंटेबिलिटी डिफरेंट तरीके से हो गई है, यानी कि मल्टीपल अकाउंटेबिलिटी हो गई है, तो ऐसा ये टाइम के साथ चेंजेस हुआ है, लेकिन वेबर ने ऐसा कुछ नहीं बोला। ये बोलते हैं ऑल दिस क्रिटिसिज्म आर डायरेक्टेड टू प्रूव दैट वेबर इन मॉडल डज नॉट फिट द चेंजिंग सर्कमस्टांसिस, तो इससे पता चलता है कि जो सर्कमस्टांसिस चेंज हो रहे हैं उसके हिसाब से वेबर का मॉडल काम नहीं करता है, राइट, और ये सिर्फ जो स्टार्टिंग में नॉन वेस्टर्न कंट्रीज थे उसी में ये कामयाब था, कामयाब नहीं है नॉन वेस्टर्न कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में कामयाब था उस समय। ये कहते हैं ब्यूरोक्रेसी हैविली encumbered by Weberian norm may be less efficacious instrument to economic change. इकोनॉमिक चेंज हो रहे हैं, आज ब्यूरोक्रेसी को कम महत्वता देते हैं ताकि ये बोलते हैं मार्केट फोर्सेस आगे बढ़नी चाहिए ताकि ग्रोथ हो, तो ये बता रहे कि इंडिया, ये एग्जांपल देते हैं इंडिया का, ये बोलते हैं इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टेप इन द ट्रेडिशनल ऑफ इंडियन, अब इंडियन ब्यूरोक्रेसी ने क्या किया, जो पहले से इंडियन सिविल सर्विस चलती आ रही थी उसी के अंदर वही सिस्टम अपना लिया। इसके ऊपर देखिए काफ़ी विवाद भी हुआ, अगर आपको पता हो इंडिपेंडेंस के टाइम अलग अलग लोगों के अलग व्यू थे, और वल्लभ भाई पटेल का अलग व्यू था कि भी यही ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो पूरा डिबेट हुआ और फाइनली यही हुआ कि इंडियन सिविल सर्विस जो है पहले से चलती आ रही उसी की तरह काम करेगी, लेकिन ये बोल रहे कि इतने रिजिड रूल है और इस वजह से इम्पार्शियलिटी है, हायरार्की है, ये सब क्या है प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और जो डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप जो होनी चाहिए वो नहीं है, ठीक है, उस ब्यूरोक्रेसी में, तो ये बोल रहे हैं ये भी एक गलत चीज़ है। इसके अलावा बताते हैं और भी क्रिटिसिज्म क्या है कि एक पावर को नेगलेक्ट किया है, इनको लगता है कि जो पावर है उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी थी है, इनकी कोई भी ऑफिसर होगा, IAS ऑफिसर या कोई भी होगा, वो अपनी पावर को जो है लिमिटेड रखेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए कहते हैं कि आजकल ब्यूरोक्रेसी ने इतना अपने पावर को बढ़ा लिया है, हर चीज़ वो चाहता है अपने उसी तरीके से हो। इसके ऊपर क्वेश्चन 2012 में आया है, ठीक है, 2012 बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आया था UPSC मेंस के अंदर, जिसको समझना ही बहुत भारी था, और वो कहीं ना कहीं इसी क्राइटेरिया पे था कि जो ब्यूरोक्रेसी है आज भी वो चेंजेस हो रहे हैं, सर्कमस्टांसिस चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन आज भी उसने इतनी वो अपनी पावर बना के रखा हुआ है कि कोई भी काम होता है तो वो ऐसे बना के रखता है कि उसके बगैर वो काम हो ही नहीं सकता। कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेट करेगा तो इस तरीके से करेगा, कोई नई ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए बोलेगा तो उसमें भी यही बोलेगा कि एक एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, एक सिविल सर्वेंट होना चाहिए, तो ये बता रहे कि अपनी जो सिस्टम है उसमें इतना पावर को ये पावर को बढ़ा लेते हैं, माई बाप टाइप सिस्टम ये आज भी खत्म नहीं हुआ है, ऐसा ही बताते हैं। इसके बाद बोलते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, अभी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे हम फ्रेडरिक्स वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आ गया है, नए नए चैलेंजेस आ गए हैं एडमिनिस्ट्रेटर के पास, अगर वो आज भी इसी हिसाब से चलेगा कि सुपीरियर जब बोलेगा मैं तभी डिसीजन लूंगा, एकदम कोई सिचुएशन ऐसी आ गई, तो इस केस में बोल रहे हैं कि इस केस में गलत हो जाता है, और ये है जो वेबर की ब्यूरोक्रेसिक मॉडल है वो प्रॉपर काम नहीं करता। इसके बाद वही बताते हैं रिजिड अडेरेंस टू प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की, हायरार्की के हिसाब से चलेंगे तो क्रिटिसिज्म भी होता है, एक म्यूचुअल, ये बोलते हैं कि इस वजह से ट्रस्ट भी नहीं रहता है, उसको पता है सुपीरियर जो ऑर्डर देगा मुझे मानना है, ठीक है, उसको ट्रस्ट नहीं होता कि उससे वो पूछ नहीं सकता क्यों ऑर्डर दिया है, किस लिए नहीं दिया, हम ये करें ना करें, एक यानी कि एक कम्युनिकेशन जो गैप है वो क्रिएट हो जाता है, इस वजह से म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं रहता सिस्टम के अंदर, और इंटर ऑर्गेनाइजेशन और इंटर पर्सनल रिलेशंस होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाते हैं। इसके अलावा ये बताते हैं कि हर ओरल डिस्कशन जो है उसको फॉर्मलिज्म, यानी कि उसको रिटर्न में होना चाहिए, ये भी क्रिटिसिज्म है कि हर चीज़ रिटर्न में होगी तो ये कितना यानी कि सिस्टम रिजिड हो जाता है। ये बोलते हैं फाइनली द वेरी बेसिस ऑफ द वेबर कंस्ट्रक्टेड द आइडियल टाइप
इज़ हेल्ड टू बी इनवैलिड। और कुछ लोगों ने बोला कि जो इनका आइडियल टाइप जो सिस्टम है ये इनवैलिड है, और ये बोलते हैं कार्ल फ्रेडरिच ने बोला एक्सप्लेन्ड एज हाउ द वर्ड आइडियल और टाइप कैन सिलो। अब देखिए इन्होंने बोला एक आइडियल टाइप, आइडियल टाइप, अब दोनों चीज़ें कॉन्ट्रेडिक्ट कर रही हैं। जो चीज़ आइडियल होगी उसका कोई और टाइप तो हो ही नहीं सकता, यानी कि ऐसा तो है नहीं कि ये तीन चीज़ें हैं, ये आइडियल है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। यहाँ ऐसी चीज तो हो सकती है, लेकिन आइडियल के कोई टाइप हो सकते हैं? आइडियल, जो चीज आइडियल है वो आइडियल ही है, उससे ऊपर कोई चीज नहीं है। तो बोल रहे हैं आइडियल और टाइप दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रही है चीजें। आइडियल का मतलब तो उसकी कोई टाइप नहीं हो सकती, और जिसकी टाइप होगी वो आइडियल नहीं होगा। कोई भी चीज की टाइप होगी कि कौन सा फ्रूट आपको खाना है, ये बोले कि यानी कि मीठा कोई स्वादिष्ट फ्रूट खाना है, तो उसके अलग अलग टाइप है। लेकिन अगर बात करें कि हम एक ऐसे टाइप जो आइडियल हो, ये लगे कि इससे अच्छा कुछ नहीं, क्या उसके भी टाइप हो सकते हैं? इससे हम अच्छा कुछ नहीं, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, ऐसा नहीं होता है। ये बोलते हैं आइडियल और टाइप यही आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी है, दोनों को कैंसिल आउट करती है। ये भी एक काफी यानी कि अच्छा क्रिटिसिज्म यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। तो ये सब पूरा वेबर की ब्यूरोक्रेसी थी, इसको अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे, इसके अलावा इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया, मैंने सारे क्वेश्चन एनालाइज किया, आप भी कीजिए, आपको पता चलेगा, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रीसियस टाइम, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, बाय, टेक केयर, सी यू।